संयुक्त किसान मोर्चा के आगू राकेश टकैत ने करंडी विखे रैली नूं कीता संबोधन। केंद्र सरकार नूं कहा कि काले कानून नूं तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तां सरकार नूं खमियाजा भुगतना पवेगा। इस मौके वड्डी गिनती विच किसानां ने भाग लिया। इस मौके जिला परिषद मानसा के चेयरमैन बिक्रम सिंह मोफर, सरपंच अजीत सिंह करंडी, चौधरी अनूप सिंह करंडी, सतपाल वर्मा, साहिल चौधरी, जगजीर सिंह मीरपुर ने संबोधन किया। करोगे तो यहाँ का ट्रांसफर जाके आपका कलकत्ता में ट्रांसफर होगा या बेंगलोर में मुंबई में ट्रांसफर होगा। चार नेताओं के ट्रांसफर कर दो, बैठ जाओ, क्या कर रहा कर्मचारी। ये आंदोलन देश का किसान लड़ेगा और सारे विभागों का आंदोलन लड़ना पड़ेगा। देश को बचाना है तो ये आंदोलन लड़ना पड़ेगा। आप बोल रहा है कि तीन कानून और एमएसपी, इतना धरना होने के बावजूद भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मंडियां बंद कर दी। जब हरियाणा के लोगों की मंडियां बंद कर सकते हैं, जब पंजाब में मंडियां बंद हो सकती है, तो दूसरे प्रदेशों का क्या हाल होगा। इतने आंदोलन होने के बावजूद भी हरियाणा में ये कह दिया कि जो अडानी के गोदाम है उस पर माल ले जाओ, अपना कड़क वहां ले जाओ। जब एक व्यापारी के हाथ में, एक उद्योगपति के हाथ में देश का अनाज चला जाएगा, उसके बाद में वो भूख के आधार पे कीमतें तय करेगा देश में। सरकार या तो सुधर जाए, इन कानूनों को वापसी ले ले, नहीं तो एक दिन आएगा ये जनता गोदाम तोड़ेगी गोदाम। सरकार को टाइम है, अभी बात कर ले, इन कानूनों को वापसी ले ले, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, अपने पार्लियामेंट में नहीं, ये गोदाम तोड़ के इनके छप्पर जनता बनाएगी छप्पर। मतलब बेवकूफ बना रहे जनता को, कोरोना के नाम पर धोखा दे रहे हैं। हो गया मुजफ्फरनगर का एक मंत्री है अग्रवाल, हो गया कोरोना, वो मंत्री तो हमारे धरने में आया नहीं। कह रहे कि गैस की रोक दी किसान ने, जो ऑक्सीजन जाती है उसके सिलेंडर रोक दिए। कोई किसान ना दूध नहीं रोक कर, ना सब्जी रोक कर, ना किसी की गैस की सप्लाई। वहां से हर मोर्चे से 200 से 300 एम्बुलेंस हर रोज वहां के धरनों के बीच से निकलती है, किसान उनको रास्ता देता है। एक ट्रक कल गाजीपुर के बीच में फंसाया गया, वहां पे पुलिस के मोटरसाइकिल के लोग उसको 20 किलोमीटर से घुमा के और वहां पर जाए। हमारे लोगों ने तुरंत वो निकाला, उसकी वीडियो बनाई, वहां से निकाल दिया। तुम रोड जाओ, उसके आगे अगर पाकिस्तान में गाड़ी जाती है, उसके आगे पायलटिंग करती है, तो गैस की जो ऑक्सीजन की गाड़ी आती है उसके आगे भी पायलटिंग करो, उसको निकाल लेंगे कैरिडोर से, उसको निकाल लेंगे पूरा। यही चैनल बनाओ ना उसका दिल्ली में जाने के लिए, ये जनता साथ देगी। ये धोखा देने वाली सरकार है, इससे बचना, अपने आंदोलन पे निगाह रखना। वो आंदोलन किसी एक आदमी का नहीं है, वो आंदोलन खड़ा करा है देश के किसान। मान ले जाओ, अपना कड़क माप ले जाओ। जब एक व्यापारी के हाथ में, एक उद्योगपति के हाथ में देश का अनाज चला जाएगा, उसके बाद में वो भूख के आधार पे कीमतें तय करेगा देश में। सरकार या तो सुधर जाए, इन कानूनों को वापसी ले ले, नहीं तो एक दिन आएगा ये जनता गोदाम तोड़ेगी गोदाम। सरकार को टाइम है, अभी बात कर ले, इन कानूनों को वापसी ले ले, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, अपने पार्लियामेंट में नहीं, ये गोदाम तोड़ के इनके छप्पर जनता बनाएगी छप्पर। मतलब बेवकूफ बना रहे जनता को, कोरोना के नाम पर धोखा दे रहे हैं। हो गया मुजफ्फरनगर का एक मंत्री है अग्रवाल, हो गया कोरोना, वो मंत्री तो हमारे धरने में आया नहीं। कह रहे कि गैस की रोक दी किसानों ने, जो ऑक्सीजन जा रही थी उसके सिलेंडर रोक दिए। कोई किसान ना दूध नहीं रोक कर, ना सब्जी रोक कर, ना किसी की गैस की सप्लाई। वहां से हर मोर्चे से 200 से 300 एम्बुलेंस हर रोज वहां के धरनों के बीच से निकलती है, किसान उनको रास्ता देता है।
एक ट्रक कल गाजीपुर के बीच में फंसाया गया, वहां पे पुलिस के मोटरसाइकिल के लोग उसको 20 किलोमीटर से घुमा के और वहां पर जाए। हमारे लोगों ने तुरंत वो निकाला, उसकी वीडियो बनाई, वहां से निकाल दिया। तुम रोज जाओ उसके आगे, अगर पाकिस्तान में गाड़ी जाती है उसके आगे पायलटिंग करती है तो गैस की जो ऑक्सीजन की गाड़ी आती है उसके आगे भी पायलटिंग करो, उसको निकाल लेंगे कॉरिडोर से, उसको निकाल लेंगे पूरा। ग्रीन चैनल बनाओ ना उसका दिल्ली में जाने के लिए, ये जनता साथ देगी। ये धोखा देने वाली सरकार है, इससे बचना। किसान नेता राकेश टिकैत जी सरदूलगढ़ समुचे जिला मानसा वालों जी आया कहना है, तो मैं ज्यादा ना बोलता होया इन्हां नूं एक विश्वास दिलाउणा टिकैत जी, जो थोड़ा योगदान किसानी वास्ते है पीढ़ियां तक कदे भुलाया नहीं जा सकूगा। चाहे वो तुहाडे पिता जी महेंद्र सिंह टिकैत जी गल होवे, चाहे तुहाडी आप दी गल होवे, जो अज किसानी संघर्ष मोदी तुसी जिवें साधे है वो काबले तारीफ है, जो अज किसान विधायक किसान दी नब्ज किसान नूं जी किसान दी होंद नूं बिठाया है, किसान नूं खेती नूं बचाया है, वो काबले तारीफ है। थोनूं एक बेनती है भी सानू जिला मानसा हलका सरदूलगढ़ नूं जदों करे तुहानूं दिल्ली लोड़ पवे दिन रात सानू हुक्म ला दिओ, सानू दस दिओ भी तुहाडी इत्थे लोड़ है, असीं ट्रैक्टर ट्रालियां भर के इत्थों रवाना होवांगे, सानू किसे सरकार दा कोई डर नहीं। मैं ये गल सारियां पार्टी बाजी तों उपर उठ के किसान दा इक किसान होण दे नाते तुहानूं बेनती करदा है, जदों कदे साडे इस पवित्र इलाके दे किसे किसान दे खून दी लोड़ होई तां सब तों पहला मैं तुहानूं विश्वास दिवांगा असीं किसानां वास्ते किसान मोर्चे वास्ते अपना खून तक नहीं डोलांगे। समुचे इस इलाके के सारे किसान भरावां नूं इह साडे टिकैत साहब दे नाल आए किसान नेतावां नूं धन्नवाद करदे हां, ते इन्हां नूं इही विश्वास दिवांदे साडे वल्लों जो भी हुकम लाउणगे, कोई तिल फुल कोई पैसा कोई तेल कोई पानी चाहे साडे खून दी लोड़ भी पवे असीं खून डोलन भी लई भी इन्हां वास्ते किसान संघर्ष वास्ते तैयार है। सो इन्हां कहिंदा होया मैं दो नारे लाऊंगा, मेरा नारे दा जवाब इन्नी उच्ची आवाज दे विच दिओ तां कि दिल्ली दे विच बैठे अपने किसानां भरावां दा हौसला वधा सके। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, बोले सोनिहाल, जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद जी, जिन्ने भी सरकार ने उन्हां नूं हौसला देण आए ने, क्योंकि जिहड़ा इह संघर्ष चल रहा है तीन काले कानून जो कि एक साल का समा करोना का जी महामारी के दौरान, क्योंकि जी सेंटर की सरकार है वो इतने लोगों ठीक है करोना बीमारी हैगी बचन की लोड़ है, पर आड़ किसानों उत्थे उठा चाहती है, जिदे करके अज इतने किसानों वह न्योता देन कह सकते हैं, उन्होंने कहण आए थे भी तुसी दिल्ली पहुँचो भारी गिणती दे विच तां कि आपां उत्थे धरने नूं होर मजबूत कर सकीए, ते असी उन्हां नूं अज इत्थे विश्वास दवाया भी असी जदों भी ओह वैसे तां असी जा ही रहे हैं, साडे उत्थे टेंट भी लगे हुए ने पक्के, ते जिद्दण मैं उन्हां नूं अज खुद बेनती कीती है बतौर किसान होण दे नाते, जिस दिन उन्हां नूं साडी कोई जलसा करना है या कोई उत्थे अंदोलन दे विच कोई नवां कोई
कोई ऐसा प्रोग्राम करना तो सानू 12 घंटे पहला सानू इत्थे सूचना दे देण तां कि असीं भारी गिणती दे इत्थों आ पिंडां दे विचों हलका संदूरगढ़ दे विचों समुचे असीं किसानां नूं जिहड़े मतलब पार्टीबाजी तो उपर उठ के असीं उत्थे पहुँच सकीए ते अज्ज असीं उन्हां नूं इह विश्वास भी दवाया ते उन्हां दा फिर मैं धन्नवाद करदा इत्थे पहुँचण कई फेसबुक ते जिहड़े नौजवान है।